गुड टू सी यू स्टूडेंट्स दिस इज बास वेलकम टू द एट लेक्चर ऑफ पेस्ट्रोलिट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा इफेक्ट ऑन पेस्ट्रोलिट्स लवस स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि जितने भी क्राइजिंग लैंड था वो अब कल्टिवेट बन चुके थे क्योंकि ब्रिटिशर्स जितने भी अनकल्टिवेट लैंड था उन सबको प्रोडक्टिव मानते थे और बाद में कन्वर्ट कर दिया इनटू ए कल्टिवेटिड लैंड फॉरेस्ट एक्ट को भी लागू किया जिससे जो रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट थी वो फॉरेस्ट में पेस्टोलिट्स जो मूवमेंट था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखा गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये लोग कभी भी पेस्ट्रॉलिट्स ग्रुप के ऊपर परोसा नहीं करते थे और इवन हर चीज़ के ऊपर उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिए चाहे वो साल्ट हो वाटर हो कैटल्स हो गुड्स हो हर चीज़ के ऊपर और ये कहा जाता था कि केटल के ऊपर भी टैक्स को इम्पोज किया गया ब्रिटिश काउंट करते थे कि कितने केटल्स हैं और हर केटल के ऊपर एक पर्टिकुलर टैक्स इम्पोज किए जाते थे आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑन पेस्ट्रोलिट्स लैब्स एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन लेड टू द सीरियस शॉर्टेज ऑफ पास् हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पेस्ट्रोलिट्स लैब्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल के कारण यानी ब्रिटिश रूल की वजह से पेस्टोलिट्स की लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन लेड टू सीरियस शॉर्टेज ऑफ पास्चर कल्टिवेशन की एक्सपेंशन की वजह से यानी जितना ज्यादा ब्रिटिशर्स ने ग्रेजिंग लैंड को अनप्रोडक्टिव लैंड को अनकल्टिवेट लैंड को कल्टिवेट बना दिया जिससे जो पेस्टॉलिट्स थी उनके लिए सीरियस शॉर्टेज हुई पास्चर की यानी पास्चर्स की बहुत ज़्यादा कमी हुई केटल टाइट ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फॉर्डर जब पाशिस् की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हुई तो बहुत सारे केटल्स जो है वो डाइट हो गए मर गए स्कैरसिटी ऑफ फॉर्डर की वजह से यानी फुट की कमी की वजह से बहुत सारे केटल्स मर गए नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ पेस्टोरल ग्रोथ स्टॉप्ड अब पहले क्या होता था पहले जो है जो ग्रोथ था नेचुरल रिस्टोरेशन वो बहुत ज़्यादा तेज था एक कंडीशन में था लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट्स जो है पास किया और इनको तीन फॉरेस्ट को ही तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जैसे कि फॉर एग्जांपल विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और रिजर्विड फॉरेस्ट तो इनको रिज़र्व फॉरेस्ट में जाना तो बिल्कुल अलाउट ही नहीं था बाकी जो विलेज फ़ॉरेस्ट और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट थे वहाँ पे जा सकते थे बट उसके लिए भी जो पेस्ट्रोलिट्स थे इनको जो है टैक्स पे करना होता था इस वजह से बहुत सारे लोगों के पास जो कैटल थे फॉर एग्जांपल एक ऐसा पेस्टोलिट्स जो एक कम्युनिटी था जिनके पास पहले अगर फिफ्टी कैटल्स होते थे तो उन्होंने अपनी कैटल्स की जो नेचुरल रिस्टोरेशन ग्रोथ है उसको कम कर दिया और ऑटोमेटिकली पहले अगर इनके पास फिफ्टी होता था अब इनके पास सिर्फ ट्वेंटी ही कैटल्स रह गए थे यानी उन्होंने फिफ्टी की जगह अब ट्वेंटी कैटल्स रखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि एक तो पास्चर्स की कमी थी और दूसरा स्कैसिटी था फुट की तो जिस वजह से जो पेस्टोरल ग्रोथ था वो नेचुरली क्या हो गए स्टॉप हो गए ड्यू टू इंटेंसिव ओवरग्रेजिंग क्वालिटी ऑफ पास्ट डिक्लाइंट आप जो ओवरग्रेजिंग था बहुत ज्यादा ओवरग्रेस करने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ पास्चर्स थी वो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइंट हुए कहने के ये मतलब है कि जब आ, मूवमेंट को जो पेस्टोरल मूवमेंट थे जब इस मूवमेंट को बंद कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने जैसे पहले एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे अपनी पास्चर्स एनिमल की पास्चर के लिए अच्छी खुराक ढूंढते थे लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने एक्ट लागू किया और फॉरेस्ट को बंद कर दिए गए तो ये लोग मजबूर होकर एक ही जगह अपनी पेस्टोरल एनिमल है इनको रखते थे जिससे जो एनिमल्स थे वो छोटे छो, छोटे से भी छोटे जो पौधे होते थे उन सब को खा जाता था जिससे वहाँ के जो पास्चर्स थे वो बिल्कुल डिक्लाइंट होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरग्रेस हो जाते थे तो जिस वजह से ब्रिटिशर्स को सॉरी जो पेस्टोलिट्स लाइफ है पेस्टोरल कम्युनिटी है इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा अंडर ब्रिटिश रूल तो आज हमने देखा कि इफेक्ट ऑन पेस्टोरल पेस्टोलिट्स लैब्स के ऊपर की सीरियस शॉटेज ऑफ पास्चर्स होने के कारण यानी कल्टीवेशन को जब uh, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ तो पास्चर्स की शॉटेज हुई कैटल जो है स्कैसिटी ऑफ वॉर्डर की वजह से डेथ हुए और जो नेचुरल रिस्टोरेशन ग्रोथ था वो बिल्कुल बहुत ही uh, ज़्यादा स्टॉप्ड हो गए थे और इंटेंसिव और क्रेजिंग की वजह से जो क्वालिटी ऑफ पास्चर्स थे वो भी धीरे 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 बहुत ज़्यादा क्या हुआ डिक्लाइंट हो गए थे सो so स्टूडेंट्स हम आज के लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं अगर किसी को कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट कुछ पूछना हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे से जोड़ सकते हैं और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स बाय बाय हैव अ गुड डे